हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कोर्स कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए, और हमारा जो चैप्टर इसमें मैंने लिया हुआ है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं अप टू इंटीग्रल्स, मतलब अप टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ये। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो है ना, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व्स, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक रेड कलर का बटन बना हुआ है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बेल का आइकन अगर आएगा तो उसको आप दबा लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले अब मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = fx x एक्सिस एंड द लाइंस x = a एंड y = b, x = a एंड x = b, वेयर b ग्रेटर देन a इज व्हाट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर a टू b y dx which is equal to a to b fx dx। क्या मतलब इसका मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले कि मुझे एक कर्व दिया था y is equal to fx, एक लाइन दी हुई है x is equal to a, x is equal to a लाइन कैसी होती है, पैरेलल टू y एक्सिस। ये पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन हो गई x is equal to a। उसके बाद एक लाइन मुझे और दी हुई है x is equal to b which is also parallel to y एक्सिस और x एक्सिस से बाउंडेड। तो देखिए x एक्सिस लाइन x is equal to a, लाइन x is equal to b, कर्व y is equal to fx से बाउंडेड, मुझे एरिया निकालना है। इस एरिया को मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं छोटी सी स्ट्रिप बनाऊंगा, छोटी सी पट्टी बनाऊंगा, और चूंकि बहुत छोटा विड्थ है इसका, इसलिए इसके विड्थ को मैंने किससे लिखा, dx से लिखा, और इस हाइट को मैंने किससे लिखा, y से। ये कर्व इस कर्व पे लाई कर रहा है पॉइंट, इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है y। तो जो इस पट्टी है इसका, ये रेक्टेंगल टाइप की है, इसका जो एरिया होगा कितना होगा, वाई डी एक्स। वाई इसका क्या हो गया, हाई वाई इसका लेंथ, और ब्रेथ कितना होगा, डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो ऐसी पतली पतली पट्टियां मुझे बना देना है, और उन सभी को ऐसे अगर मैं पतली पतली पट्टियां इक्वल विड्थ की बना दूं ढेर सारी, और उन सभी को मैं अगर ऐड कर दूं तो इस जो रीजन है ना उसका एरिया मुझे मिल जाएगा। और यही जो हम लोग ऐड करते हैं इस चीजों को ना, इसको इंटीग्रेशन से दिखाया जाता है, ए टू बी, और जो कर्व दिया होगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वो लिखेंगे हम लोग, और डी एक्स ए से बी में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इस रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए दूसरा जो हमारा दूसरा हमारा जो फार्मूला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x = gy y एक्सिस एंड द लाइन y = a एंड y = b वेयर b ग्रेटर देन a इज गिवन बाय a = a टू b x dy व्हिच इज इक्वल टू a टू b x = व्हाट gy dy। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, देखिए कर्व ऐसा होगा और यहां पे होगा y = a और यहां पे होगा y = b और ये कर्व का नाम क्या होगा, x = gy। ठीक है, और ये एरिया मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए किससे किससे बाउंडेड है, ये कर्व x = gy, लाइन y = a, लाइन y = b और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया है। तो यहां पे देखिए कैसे हम फार्मूले को याद रखते हैं, यहां पे भी हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, स्ट्रिप देखिए y एक्सिस पे है इसलिए इसका विड्थ कितना हो जाएगा, dy, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी इसकी लेंथ, है ना, क्योंकि इस कर्व पे जो है हमें इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखेंगे कितना जाएगा x, तो x into dy इस स्ट्रिप का एरिया आएगा। इसको यहां से यहां तक वैरी करवा देंगे a से b में, तो इस पूरे जो रीजन का एरिया आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या बना, a टू d x dy, ठीक है ना, x जो कि फंक्शन किसका, y का, इसलिए y के रेस्पेक्ट हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक कर्व ना होंगे दो कर्व दिया होगा और इसके बीच का बाउंडेड एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व y = fx, y = gx, लाइन x = a और लाइन x = b के बीच का बाउंडेड एरिया निकालना, जहां पे गिवन कंडीशन ये है इस पूरे इंटरवल a टू b में जो fx है वो gx से क्या है, बड़ा है, इसीलिए ऊपर मैं बनाया इसको नीचे बनाया है। तो इसका एरिया निकालना है, तो जो बड़ा वाला कर्व है fx - gx और इंटू क्या लिख देना, dx, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर देना है a टू b में, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान से जो है देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को हम लोग अभी सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, जो मैं पहला क्वेश्चन लिया है वो है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व
एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू फोर वाई माइनस टू डेल एन 2014 कंपार्टमेंट 2013 कंपार्टमेंट 2010 एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा गया है। फ्रेंड जनरली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन आता है वो 6 मार्क्स में आता है, तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करो उससे पहले मैं कुछ बेसिक कर्व की आपको जानकारी दे दूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना पड़ता है। अगर आप एक फिगर अच्छे से बना लेते हैं तो उससे आपको 1 मार्क्स मिलता है, और बिना फिगर बनाए क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना नहीं होता है, तो फिगर आप जरूर बनाइए क्वेश्चन में। तो कुछ बेसिक कर्व है जिनकी जरूरत पड़ेगी, मैं उसको फटाफट आपको बता देता हूँ, जो कि आप क्लास 11 में जरूर पढ़े होंगे जो है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार तरीके के पैराबोला होते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसका शेप ऐसा बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला है जो राइट में ओपन होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये भी एक पैराबोला है जो कहाँ कैसे वो ओपन होता है, लेफ्ट में ओपन होता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो कि अपवर्ड पैराबोला है, ऊपर की तरफ ऐसा खुलता हुआ है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay ये भी एक पैराबोला है जो कि डाउनवर्ड्स में ओपन होता है। ठीक है, इसमें अगर आपको फोकस से क्वाड्रेंट लिखने हो तो ये कितना हो जाएगा a0, यहाँ फोकस का क्वाड्रेंट अगर मुझे लिखना हो तो हो जाएगा माइनस a0, यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो हो जाएगा 0, a, और यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना हो तो हो जाएगा 0, a। ठीक है, 0, a। तो चार तरीके के पैराबोला होते हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट है कभी, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax ऐसा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8ax ऐसा पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y ऐसा पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8y तो ऐसा पैराबोला। आपको फिगर ऐसे रफली बना देना है। अच्छा, इसके बाद दो इलिप्स आपको पढ़ने हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स है। अगर ये ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी मतलब इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वो इससे बड़ा हुआ है, तो समझ लेना कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा, उसका फिगर ऐसे बनाना है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक, और अगर ए लेस देन बी है, इफ ए इज लेस देन बी, ए इफ ए इज लेस देन बी इसका मतलब कि वर्टिकल इलिप्स बनेगा, उस समय कुछ ऐसा सेप बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा सर्कल जैसा दिख रहा है, थोड़ा ऐसे और ये ऐसे होता है। ठीक है, दिस इज ओके, दिस इज द शेप ऑफ एलिप्स, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। इसके बाद देखिए वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो तो बहुत आसान है, आपको मालूम ही है वाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन, जिसका सेंटर कितना 0, 0 और इसका रेडियस कितना होता है आर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर कितना हो गया 0, 0 और रेडियस कितना हो गया आर, और x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर कितना होता है h, k और रेडियस कितना होता है आर, है ना। इसका सेंटर जो है हो गया h, k, एक सर्कल में बना देता हूँ, इसका सेंटर कितना हो गया h, k और इसका रेडियस कितना हो गया आर। ठीक है, ये कुछ बेसिक कर्व है, और भी कुछ कर्व इस्तेमाल होंगे, लाइन तो आपको ड्रॉ करना आता ही है, लाइन को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं है आपको, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन होती है हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, आप सिर्फ दो पॉइंट इसमें खोज लीजिए, लाइन का इक्वेशन उन दोनों को प्लॉट करिए और लाइन खींच डालिए। तो ये कुछ बेसिक कर्व है, इसको नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका मैं सोल्यूशन लिखता हूं। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, देखिए एक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y अपवर्ड पैराबोला। ठीक, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, ओके अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, इसका नाम हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दूसरा क्या है एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है ना, इसको देखिए अगर हम अच्छे से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, या हम ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसमें लिखूं x इज इक्वल टू 0, ठीक है x इज इक्वल टू 0 लूं अगर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो इधर आएगा 2, 2/4 का मतलब 1/2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, और y की वैल्यू एक बार मैं 0 ले लूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, तो ये लाइन इन दो पॉइंट से पास होकर जाता है -2, 0, देखिए यहाँ पे ये -2, 0 और 0, 1/2 कहीं यहाँ होगा, तो लाइन यहाँ से होकर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो दिस इज द लाइन
दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। आप और भी कोई भी दो पॉइंट इसमें ले सकते हैं, x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। जनरली हम लोग ये पॉइंट्स लेते हैं, जो एक पॉइंट x एक्सिस पे ले लेते हैं, एक पॉइंट y एक्सिस पे, उसको ज्वाइन करवा देते हैं, लाइन बन जाता है। ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया। अब इन दोनों से बाउंडेड एरिया मुझे निकालना है, मतलब मुझे ये एरिया निकालना है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे इसका, इन दोनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, फिर यहां तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढने के लिए इन दोनों कर्व को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहला कर्व है मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और यहां से देखिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 4, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 4, या 4y इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 2, 4y मुझे चाहिए, 4y कितना जगह एक्स प्लस 2, डायरेक्ट में लिख देता हूं, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस 2, इसको इधर मैं बुला लूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए, x इज इक्वल टू 2 मिला, और x इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 1 मिला, ये दो जगह ये कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए ये पॉइंट कौन सा रहा होगा, ये पॉइंट हमारा रहा होगा दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि आप देखिए ये इस लाइन और इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर अगर दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया अगर आपको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते थे, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स और डी एक्स, ये फार्मूला हम लोग लगाते थे। ठीक है, तो देखिए यहां में क्या आ जाएगा, ए टू बी का मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको, माइनस वन से कहां तक इंटीग्रेट करना है, टू तक, माइनस वन से टू। एफ एक्स का मतलब ऊपर वाला कर्व, ऊपर कौन सा कर्व है, लाइन है, लाइन में हमको लिखना है ना, तो लाइन का देखिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देखिए यहां पे एक कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा कर्व कौन सा है, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, जिसमें एफ एक्स क्या ऊपर है और जी एक्स क्या नीचे, मतलब ये ग्रेटर है ये, तो इसका मतलब इसका वाई चाहिए, पहले वाले कर्व का वाई, पहले वाले कर्व का वाई कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 4। सो इस लाइन का वाई मैं निकालूंगा, पहले इस लाइन का वाई कितना बताइए, इस लाइन का वाई है एक्स प्लस 2 बाई 4, है ना, एफ एक्स का मतलब क्या वाई, वाई निकालना, दोनों का वाई निकालना है। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया निकालते हैं ना, तो वाई डी एक्स फॉर्मूला लिखते हैं, तो वाई हम लोग निकालते हैं, वाई यहां से क्या आएगा बताइए, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 4, एक्स प्लस 2 बाई 4 माइनस जी एक्स का वाई, इसका वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, जो कि नीचे कर्व है, ये कर्व नीचे ये कर्व ऊपर है, इसका वाई कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप फिगर बना ही लिए होंगे इसको, और मैं इसको रफ कर रहा हूं, और अब इसको मैं इंटीग्रेट करें तो देखिए मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहली बात देखिए, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, 1 बाई 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे इंटीग्रेट करना x को, x का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2x, देखिए 4 मैं बाहर निकाल चुका हूं। ठीक, तो मुझे x को इंटीग्रेट करना एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 को इंटीग्रेट करना 2x, ठीक है माइनस, और मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना कितना जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और इसमें लिमिट रख देना कितना, माइनस 1 से 2 तक। ठीक है, देखिए अगर मैं अपर लिमिट रखूं इसमें, है ना, अपर लिमिट रखूं, सबसे पहले x वैल्यू 2 रखूं कितना जाएगा 4 बाई 2 दैट इज 2, प्लस यहां 2 रखूं कितना जाएगा 4, माइनस 2 क्यूब कितना जाएगा 8 बाई 3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखना है, माइनस 1 रखूंगा तो कितना जाएगा 1 बाई 2, यहां माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 2, यहां माइनस 1 रखूंगा कितना जाएगा माइनस 1 बाई 3, जो कितना आ जाएगा प्लस 1 बाई 3, और इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 1 बाई 4, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 माइनस 8 बाई 3, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 बाई 6, 5 बाई 6 माइनस 2, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू 1 बाई 4, और देखिए 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8, 8 माइनस 8 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 बाई 6, दो से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे 16 बाई 6, और ये माइनस कितना है 5 बाई 6, ठीक है, तो 16 माइनस 5 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 21 बाई 6, तो 1 बाई 4 1 बाई 4 8 माइनस 21 बाई 6 कितना हो जाएगा ये
8 6 48 48 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6, 3 से कैंसिल करें, 3 2 6, तो 3 9 जा इतना, तो कितना आ जाएगा आंसर, 9 बाई 8 स्क्वायर यूनिट विल बी व्हाट आंसर। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन गिवन बाय एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू वाई एंड लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये क्वेश्चन आ लिया 2012 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, 2009 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन एंड 2011 कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी कहाँ पे आती है ना, कि वो सबसे पहले ना इस कर्व को समझ नहीं पाते हैं कि ये कर्व को हम कैसे ट्रेस करें, कैसे प्लॉट करें। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे हम इसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले समझिए, एक्स वाई का मतलब ये है कि ये प्लेन है ना, इस प्लेन में वो पॉइंट्स जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, उन पॉइंट्स से जो जो एरिया बना हुआ उसको मुझे निकालना है। तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम इनइक्वालिटी हटा देते हैं, हम समझते हैं मुझे ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मुझे ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मुझे ड्रॉ करना है, और दूसरा मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। पहले मैं इन दोनों को ड्रॉ कर लेता हूँ, एक ही एक्सिस पे ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला, जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, अपवर्ड पैराबोला होगा ये मैंने अपवर्ड पैराबोला बना दिया, और y इज इक्वल टू मॉड एक्स आपको बनाने आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज y इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। तो इन अब देखिए, अब मुझे वो y चाहिए जो x स्क्वायर से बड़े हैं। देखिए अगर मैं यहां थोड़ा इस फिगर को मैं और थोड़ा बड़ा बनाता हूं तो थोड़ा आपको देखने में आसानी होगी, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा फिगर में बनाता हूं। तो देखिए ये हो गया, दिस इज इक्वल टू ओके, ठीक है। अब देखिए अगर मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कहूं देखिए इस ये जो है ना, यहां पे जो वाई है वो कितना है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्चुअली सभी यहां इसमें जो पॉइंट्स है ना उसका वाई कितना है, किसके बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर है। अच्छा अब इससे मैं थोड़ा अगर ये वाले पॉइंट का चर्चा करूं जो इससे थोड़ा ऊपर है, तो उसका वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पे जो वाई है वो एक्स स्क्वायर है, ये लेंथ जो है ना एक्स स्क्वायर के बराबर है, ठीक। तो ये ऊपर वाला जो इसके ऊपर जो पॉइंट है वो एक्स स्क्वायर से क्या है, ज्यादा है, और इसके अगर नीचे एक पॉइंट में ले लूं तो वो एक्स स्क्वायर से क्या है, कम है। मुझे वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो एक्स स्क्वायर से बड़े हैं, वाई वो सभी वाई चाहिए जो एक्स स्क्वायर से क्या है, बड़े हैं। वो कहां पे मिलेंगे, वो पैराबोला के इनसाइड में मिलेंगे। तो ये बताता है कि पैराबोला का इनसाइड, ठीक है, और मुझे वो भी वाई चाहिए। अब देखिए यहां पे जो वाई है वो कितना है, मॉड ऑफ एक्स है, इसके जो नीचे पॉइंट होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स से छोटा होगा, और इसके जो ऊपर होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स से बड़ा होगा। मुझे मॉड ऑफ एक्स से छोटे पॉइंट चाहिए, इसका मतलब कि इस लाइन के नीचे वाला कर्व, तो इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट्स और इस पैराबोला के इनसाइड वाले पॉइंट्स, तो कौन से पॉइंट्स हैं जरा आप बताइए मुझे। तो देखिए ये वाला रीजन है जिसको मुझे निकालना है, बस अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप आसानी से एरिया को निकाल सकते हैं, इस एरिया को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक बात और समझना जरूरी है कि ये जो वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला जो होता है ना सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये जो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है ना, ये भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कैसे चेक कर सकते हैं, इन दोनों के कर्व में आप x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखिए, कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर x इज इक्वल टू माइनस एक्स रखने से कोई फर्क नहीं आता है तो समझ लेना है कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y इज इक्वल टू माइनस y रखने में कोई फर्क ना आए तो समझ लेना है पैरेलल टू x एक्सिस। फिलहाल सेकंड वाला केस नहीं है, आप x इज इक्वल टू माइनस एक्स रख के चेक करिए, कोई फर्क आ नहीं रहा है, इसलिए दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। इससे फायदा ये हुआ कि अगर सिर्फ हम एक एरिया निकाल दें तो उसको हम डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए देखिए मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट सबसे पहले चाहिए, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे चाहिए, ठीक है, ये वाला। आप चाहे तो इसको ना भी निकाले तो काम चल जाएगा, ये मुझे चाहिए। अच्छा वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स जो ये कर्व बनता है ना, वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो। तो जो ये मॉड एक्स का कर्व बनाते हैं ना,
इसमें इस लाइन का नाम क्या होता है y is equal to x, और इस लाइन का नाम क्या होता है y is equal to minus x, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसका नाम क्या है y is equal to x, हम y is equal to x को सॉल्व करेंगे, और हम किसको सॉल्व करेंगे, इस पैराबोला का नाम क्या है y is equal to x square, ठीक है, इस पैराबोला का नाम क्या है y is equal to x square, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इनको। तो अगर मैं y इक्वल टू दोनों को इक्वेट कर दूं, LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, तो सॉल्विंग वन एंड टू, सॉल्विंग वन एंड टू वी गेट क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, या एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट कितना आ गया x इज इक्वल टू जीरो, और ये पॉइंट कितना आ गया x इज इक्वल टू वन। जब x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा जीरो, और जब x इज इक्वल टू वन रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा वन वन, मतलब ये तो पॉइंट वन जीरो ही रहेगा, ये पॉइंट वन वन होगा, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे देखिए यहां से यहां तक का ये वाला एरिया चाहिए, ये दो कर्व के बीच बाउंडेड है। जो कर्व ऊपर है वो कौन है, वो लाइन है, ऊपर वाला जो कर्व है वो लाइन है, मतलब y इज इक्वल टू x, और नीचे जो कर्व है वो कौन सा है, पैराबोला है, है ना। तो मैंने फार्मूला आपको बताया ही था, तो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो कर्व के बीच में बाउंडेड एरिया निकालना है तो हम फार्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू ए टू बी, जो कर्व ऊपर है उसका नाम हो गया एफ एक्स, उसका y लिखना है, और माइनस जी एक्स, और इंटू कितना डी एक्स, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक मुझे इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर वन। मैं अगर रिक्वायर्ड एरिया की बात करूँ, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया मैं लिखने जा रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, है ना, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू टाइम्स, क्यों, मैं ये वाला एरिया निकालूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डबल पूरा एरिया आ जाएगा, टू टाइम्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, x इज इक्वल टू जीरो से लेकर x इज इक्वल टू वन तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एफ एक्स मतलब y लिखना है, किसका y, जो कर्व ऊपर है, कौन सा कर्व ऊपर है, ये लाइन देखिए ऊपर है, लाइन का नाम, लाइन का y कितना है x, माइनस जो नीचे कर्व है उसका y लिखना है, नीचे कौन सा कर्व है, इसका y कितना हो गया x स्क्वायर, और इंटू कितना डी एक्स, इसी को इंटीग्रेट करने का एरिया आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू इंटू x का इंटीग्रेशन कितना हो गया x स्क्वायर बाई टू, माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया x क्यूब बाई थ्री, और लिमिट कितना होगा जीरो से वन, कितना आ जाएगा टू टाइम्स, अपर लिमिट रखें तो कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, मतलब कितना हो जाएगा वन बाई सिक्स, वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस जीरो रखेंगे जीरो बाई टू जीरो, जीरो बाई टू जीरो मतलब जीरो, तो वन बाई थ्री माइनस टू कितना होगा वन बाई सिक्स, टू इंटू वन बाई सिक्स, रिक्वायर्ड एरिया इज टू इंटू वन बाई सिक्स, दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, दिस इज अवर आंसर। तो फ्रेंड्स ऐसे अगर फिगर बना के आप अगर इसको सॉल्व करते हैं, प्रॉपर फार्मूला मेंशन कर देते हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स मिलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके आगे के प्रश्न जो है, जो डिफरेंट और क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट वैरायटीज हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आपके कुछ कमेंट्स हो, सजेशन हो, जरूर मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।